नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ए बसंती, अब तो भगा तेरी धन्नों को। अरे पौना घंटा हो गया इंतजार करते करते। अरे पहले वो कमीना कंडक्टर आएगा तभी तो गाड़ी हिलेगी। और देखो जिसको जल्दी है वो जाए पद यात्रा पे। मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमलनम योगी विरध्यान गम्यम वंदे। अरे पुजारी जी, आपने हरिलाल को देखा क्या? यहाँ तो सब लाल हरि के हैं। तुमको जो माथे पे टीका लगाता है, हाथों में धागे, गले में ताबीज पहनता है, सीधा सा, हाथ जोड़ू, कंडक्टर। राम 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 राम, नाम मत लो उस हरामी का, पी कर कहीं पड़ा होगा अड्डे पे। ये भैया हरिलाल आया था यहाँ पे? हमेशा आता था लेकिन कुछ दिनों से नहीं आया, कहता था कि नई नई नौकरी लगी है। अब उसे कहाँ ढूंढूं यहाँ पे मैं। वैसे उसकी एक है औरत। बहन जी, हरिलाल एक टैक्सी लेकर आए थे और दोनों निकल गए सुबह सुबह। कुछ स्पेयर पार्ट्स का हुआ है और कुछ देखते हैं अभी। कुछ पता चला? कुछ लेन देन बाकी था? नहीं, हाँ, वो पिछले महीने का पगार लेने आया था और लेकर गया, इतना लेन देन तो हुआ है। दीपक, मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मेले का पैसा, टिकट का पैसा, 10 दिन का गल्ला। नहीं, उसका हिसाब तो वो आज देने वाला था, क्या हुआ? वो है ही नहीं। कहाँ है वो? उसको बाहर बुलाइए। सुपाही अभी आए थे लेकिन वो घर पे नहीं है। देखिए आप उसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए, वो जहाँ पर भी है हम लोग उसको ढूंढ निकालेंगे। तो चुप कर। क्या उसने कोई गलत काम किया है? है जी नहीं, गलत काम तो हम लोगों ने किया है जो उसको नौकरी दे दी बगैर जान पहचान के, बगैर किसी डिपॉजिट के। अरे हम भी मजदूर आदमी, मजदूरों की मुश्किल समझते हैं। उसके धर्म गर्म के टीके पर भरोसा क्या कर लिया कि उसने हमको ही टीका लगा दिया? कितनी ताक में बैठे हुए थे हम लोग कि ये पैसे आएंगे तो उससे कर्जदारों के पैसे चुकाएंगे, और वो हरिलाल सारे पैसे लेकर भाग गया। उससे कह दीजिए कि वो दुनिया में कहीं भी जाकर छुप कर बैठा है, वो ऊपर वाले की नजर कैद में, वो उसको माफ नहीं करेगा। अरे हरामी ने नाक कटवा दी, इस उम्र में यही सुनना बाकी था। दीपक कहाँ जा रहा है? सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। चल सीधे पुलिस स्टेशन चल के फिर लिखाते हैं। ये फिर लिखाना क्या होता है? अरे वो FIR। फिर तू अपने दिमाग से इंग्लिश की डिक्शनरी निकाल कर फेंक दे। अरे कंप्लेंट तो लिखवानी पड़ेगी ना यार। वही तो सोच रहा हूँ मैं। उसके बूढ़े माँ बाप को देखा, उनके हाल को देखा। हा? हमारा तो पैसा गया है, उनका तो बेटा ही फरार हो गया। हाँ पुलिस कंप्लेंट कराएंगे तो क्या होगा? तकलीफ तो बूढ़े माँ बाप को होगी, बेटा तो क्या है, मजा आ रहेगा टनाटन। उसको क्या है? मैं उसकी बुराई की सजा उसके बूढ़े माँ बाप को नहीं दे सकता। पहले बेचारे ढलान पर है, मैं उनको धक्का क्यों दूं? तेरा दिल बड़ा है लेकिन दुनियादारी दरिया दिली नहीं समझती। ये टायर वाला, गैरेज वाला सांप की तरह फन उठाएंगे पैसे के लिए, देन व्हाट विल यू डू? सुन, दो दो घर जमाई है, किसी एक का बटन दबा लें, फैला तो उजाला नहीं तो अंधेरा तो है ही। अरे वो लोग दोनों तो इसी ताक में बैठे हुए हैं कि कब मैं मुंह खोलूं और वो लोग हल्ला बोल दें कि घर भेज दो घर भेज दो। और मेरी मुश्किल ये हो गई है कि मैं किसी अपने को मुंह खोल के बोल नहीं पा रहा हूं कि मुझे पैसे की जरूरत है। मेरा एक थैला नहीं है। मांग कर रहा हूं तुझसे, मैं तो बता रहा हूं, बोल रहा हूं। और तुझसे तो पैसा मैंने हक से मांगा था लेकिन मेरा बैड लक देख मैं तुझे लौटा नहीं पाया। अबे साथ चल तो सही। सुन, तू मेरा ब्रदर है, मेरा छोड़। मेरा अमेरिका जाना मतलब 100वें माले पर पैदल चढ़ना है। पैसा इकट्ठा करूं, वीजा अप्लाई करूं, इंग्लिश सीखूं, अरे चढ़ती पतंग की डोर है रे। तो यहाँ कौन सी पतंग लहरा रही है? गोताई खा रही है दोनों की। कंडक्टर साला मिला, इसको तो मिलके धोएंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा चुका दूंगा। कंडक्टर मिलने की दुकान होती तो कितना अच्छा रहता। कंडक्टर मिलने की दुकान होती तो कितना अच्छा। बार बार बात करते। मस्ते। उसकी जगह कोई भी होता ना तो ये काम नहीं करता। हाँ हाँ, तुम्हारा भाई तो महान बना है कंडक्टर, उसके बाद बनेगा क्लीनर, पूरी बस का कीचड़ साफ करेगा और हम पे उछालेगा।
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक ही कह रहा हूँ मैं, संभालो बचा लो वरना पूरी सोसाइटी में हमारा फैमिली स्टेटस ब्रोकन। ना कर वक्त खोटा, नहीं कोई काम छोटा, घर है लगन तो जिया हो जाए मगन। चल चला चल, चल चला चल, आगे तू बढ़ चला चल, जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो बेटा। बाबूजी, आज से रोज रोज घर आना नहीं होगा, कभी कभी बस की रखवाली के लिए स्पॉट पे रुकना भी पड़ेगा। थैंक यू। मेंशन नॉट। भाइयों और बहनों, चल चला चल कंपनी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और पते की बात यह है कि मैं बस का मालिक, इस बस का कंडक्टर बन गया हूं। अब ये सब क्यों हुआ और किस लिए हुआ, ये सब लंबी कहानी है, मैं आप लोग को बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल आप लोग सब लोग मुझे संभाल लेना। हाँ, आप लोगों का स्टॉप क्या है, किराया कितना है, खुद ब खुद ईमानदारी से पैसे गिन के मुझे दे देना, मैं कैलकुलेटर लाना भूल गया हूँ। और धोखाधड़ी मत करना, मैं हिसाब किताब का बहुत पक्का हूँ। हाँ भाई, किधर जाना है? पीसी। पीसी क्या? पुलिस कांस्टेबल। मतलब? मतलब फ्री। ओके, आपको किधर जाना है? पीसी। ए, कितने पीसी है इसके अंदर, इस बस में कितने और पीसी? हम सात पुलिस कांस्टेबल है इस बस में, हम डीसीपी की बेटी की शादी में जा रहे हैं। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद बोल देना, सलाम बोलना। हाँ, आप लोग आए? महालक्ष्मी। मैं आपका नाम नहीं, आपके बस स्टॉप का नाम पूछ रहा हूँ। ये बस स्टॉप का ही नाम है। पढ़िए इसको। ये क्या किया तुमने? हमने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है, अपना धर्म समझकर। आप किस मसले की बात कर रहे हैं? शैतान की दुआ से तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक ही मसला है, वो है पुलिस कंप्लेंट का। अरे, तुम्हारा आदमी मुझको चुना लगा के भाग गया और मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट कर डाली? कंप्लेंट तो मुझे करनी चाहिए थी, पैसे का मेरा नुकसान हुआ है, लगा के क्या रखा है, क्या लॉजिक है, इसके पीछे उसूल क्या है? मगर याद रखना एक बात, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। लेकिन अब मुंह खोलना आपके हित में नहीं है, पुलिस कंप्लेंट आपके खिलाफ है। एक मजदूर पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे नौकरी से निकालकर मानसिक कष्ट दिया आपने उसे, छोटी बात नहीं है ये। छोटी बात है, पुलिस कंप्लेंट में तो यही दर्ज है, इसलिए शक की निगाह आप पर जाती है। तो कागज पे कुछ लिख दिया तो क्या वो कैसा हो गया? पुलिस के सामने लिखवाने से बात पक्की तो हो जाती है ना, कानून है, समझे आप? हाँ, मुझसे पहले कंप्लेन कर सगते थे आप, लेकिन ये मौका तो आपने गवा दिया। तो आप संभल कर कदम बढ़ाना और संभाल कर जबान चलाना। आज के बाद संभल कर तो तुम रहना मिस्टर सिंह। कानून कोई बच्चों की दौड़ नहीं है कि जो पहले आ गया उसको ट्रॉफी वॉफी मिल जाएगी। और ये जो ये कानूनी तिरछे दांव पे लड़ रहे हो ना तुम, याद रखना ये सच का तीर जो है ना, ये सीधे घुस जाता है। ब्रेक फेल। अरे चुप कर, बस चला रहे थे, रॉकेट उड़ा रहे थे, उड़ा देते थे तुम मुझे। काश ऐसा होता कि ब्रेक टाइम पे लगा होता। अरे लेकिन
आप बीच सड़क पर स्टेचू ऑफ लिबर्टी बनकर क्यों खड़े हो? स्टेचू ऑफ लिबर्टी? हाँ भाई भाई भाई, लेकिन अमेरिका हमें जाना है क्या आपको? ये बस लेके जाओगे क्या अमेरिका? अरे हम साइकिल से जाएं, लेकिन सड़क के बीचों बीच खड़े होने क्या खुजली है आपको? ए खुजली मास्टर, ये मेरा काम है। उस दिन मेले के दौरान मैंने इतने इशारे किए रोड साइड से, फिर भी आप लोगों ने बस क्यों नहीं रोकी? नहीं, रोड साइड के इशारों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, हम शरीफ हैं। ए, बस क्यों नहीं रोकी? देखिए उस दिन जो मैंने बस नहीं रोकी ना, तो गुरु के बोलने पर नहीं रोकी। नहीं, नहीं, आप एक बात बताइए, कितने भक्त लोग जो है वो धूप के अंदर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, उन लोगों को छोड़कर हम लोग आपके दर्शन करने के लिए कैसे चले आते? यानी बस ओवरलोड थी। रूल नंबर 113 सेक्शन के ब्रोकन। आपकी बस जब पेट्रोल पंप पर डीजल डलवा रही थी तो कोई गुनाह है क्या? हाँ गुनाह है, बस पैसेंजर से भरी हो गुनाह ही है, समझा? देखिए जी, रूल नंबर 93 सेक्शन पी ब्रोकन। देखिए जी, जो मेरी बात है, ओ मैं तो भूल ही गया था कि आप तो काम करते समय जीजू होते ही नहीं है, तो आप जो कोई भी है आप जबरदस्ती बाल की खाल मत उतरी है। आपके कहने की वजह से हम लोगों ने बस के चारों टायर चेंज कर दिए, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कीटाणु मारक गोली रख दी, बस का तो क्या अपना भी टाइम टेबल सुधार दिया। अब हम लोग बारात के घोड़े के सामने भी नोट नहीं दिखाते, अब हमारे 2-in-1 के अंदर आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक में चलाइए ना। 2-in-1 का मतलब तो समझ गए होंगे, मालिक और कंडक्टर। ओहो, कंडक्टर विदाउट बैग, कंडक्टर विदाउट यूनिफॉर्म, सेक्शन 90 ब्रोकन, सेक्शन 90 ब्रोकन। साले सर फोड़ डालेंगे, साले उल्लू बनाते हैं, इसको तो मैं तोड़ी डालता हूँ। आगे ले गया तू, जीजा है वो अपना, चला। वाइपर कहाँ है? वाइपर यहाँ है। वाइपर का मतलब जानते हो? हाँ, खतरनाक जहरीला सांप। ड्राइवर, वाइपर है ना साहब, दोनों है ना उधर। रोते रोते चलता है कि त्रिताल झपताल में नाचता है? अरे जैसे भी चलता है, बारिश का मौसम नहीं है, आपको वाइपर से क्या सरोकार है? हाँ, दो दो वाइपर है, एक खड़े खड़े जंग लग गया और दूसरा खड़े खड़े टेढ़ा हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है वाइपर की? आई अंडरस्टूड, रूल नंबर 65 सेक्शन ओ ब्रोकन। मुझे अभी के अभी वाइपर्स चाहिए। क्यों, खाएंगे क्या? शट अप, आई विल चार्ज। हे बसंती लाल, जाकर वाइपर लाकर इनके चश्मे पे लगा, ताकि इनको अपनी दुनिया साफ साफ दिखाई दे। देखो तुमने मेरा पर्सनल इंसल्ट किया है। संभव ही नहीं है, आप तो प्रोफेशनल टाइम के ऊपर पर्सनल होते ही नहीं है, तो फिर पर्सनल इंसल्ट कैसे होगी? मैं फाइन मारूंगा। फाइन? फाइन मारो या ताना मारो, आपके चाहते हैं कि हम लोग सड़क के ऊपर आ जाए? हम लोग सड़क के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है, जो सेक्शन लगाना लगाइए। ओके ओके ओके। अरे ये तो वही है, दोबारा मुंह मत दिखाना। हाँ तो तू तो इस पर भरोसा करेगा? ऐसा नहीं हो पैंट सिलाने के गए और वहाँ पर पजामा सी दिया। इस पियक्कड़ के अलावा कोई चारा भी नहीं है। देर 3 इसकी कैंची कांपती है, देर 4 इसके ग्राहक कम है, देर 5 यूनिफॉर्म जल्दी सिलेगा, समझे? नेवर टेल, सब कुछ समझ गया। नमस्ते। लंगोट सिलाना है क्या? लंगोट? आधे घंटे में तो लंगोट ही सिल सकता है। आधे घंटे? इनकी तो खुद की मुंह की सिलाई उखड़ी हुई है। नहीं नहीं, कंडक्टर की यूनिफॉर्म सिलाना है, पैसा हमारा, कपड़ा सिलाई आपका। और नाप? नाप के लिए कपड़ा लाया हूं ना, अर्जेंट। हाँ, आधे घंटे। आधे घंटे में कपड़ा खरीदना भी है, काटना भी है, सिलवाना भी है। हाँ, आधे घंटे में। हाँ, मुझसे नहीं होगा, आप किसी और के पास ले जाओ। चलो चलो। तू आधे घंटे के पीछे क्यों पड़ा है? अरे सीधी बात है, आज ही जीजू ने बेइज्जती कर दी है, अभी दोबारा थोड़ी बेइज्जती करवाऊंगा आपकी। अरे तो रणछोड़ दास, अभी तो हल्ला बोला ना तूने उसके साथ। अरे देखो, उसकी हजार कचरा बातों में एक बात तो सही थी ना। हाँ। कि कंडक्टर का ड्रेस होना चाहिए। नहीं, वो अभी दहाड़ मार के गया है तो पूरे दिन में अब थोड़ी दोबारा पकड़ेगा, एक दिन में सिर्फ एक बार। नहीं, एक दिन नहीं। हाँ, नहीं आएगा। आज भर की बात करता हूँ, ये आज भर में दे दीजिएगा, ये एडवांस के लिए पैसे दे रहा हूँ। हाँ, नाप के लिए कपड़े दे रहा हूँ ना। अच्छा, ये लिए ठीक है, पैसे भी रखो। हाँ, आज भर में। चलो चलो चलो, मुझे कपड़े उतारने। क्या बात कर रही हैं? अरे कपड़ों की गठरी ऊपर से। ओ, धोबन हूँ। अच्छा, मेरी धुलाई मत करना भी माँ। चले रत्नाकर चौक आगमन, रत्नाकर चौक आगमन, रत्नाकर चौक आगमन, रत्नाकर चौक आगमन। हाय। अब कहाँ चोट लगी? नहीं, ऐसे ही जनरल हाय बोल रही हूँ। ओ, यहाँ कैसे आना हुआ? और कहाँ जाऊंगी, प्रिंटिंग प्रेस वाला जॉब भी नहीं रहा, और मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरा जो कंडक्टर था ना कंडक्टर, वो 1,00,000 रुपए लेकर भाग गया, उसमें से 50,000 रुपए मुझे तुम्हारे परिवार को देने थे और 50,000 रुपए अपने लिए रखने थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत लाजवाब है और मेरी किस्मत, उसका तो जवाब ही नहीं। अगले हफ्ते मेरे मामा की लड़की की शादी है, मुझे
कम से कम एक सिक्का तो देना होगा। चलो उतना तो दे ही सकता हूँ मैं, क्या बात करती हूँ। सोने का, सोने का, फिर रोजी रोटी का भी इंतजाम करना है। बैसाखी की वजह से मेरा घूमना फिरना बंद हो गया है। मेरी सहेलियाँ कहती है मुझे एक कपड़े का शोरूम खोलना चाहिए। मैं एक जगह कैश काउंटर पर बैठी रहूँगी और काम होता रहेगा। लगे तो एक पेट्रोल पंप, एक ब्यूटी पार्लर और डायमंड ज्वेलरी शॉप भी खुलवा लेना। वहाँ पे भी ना तेरे को सिर्फ कैश काउंटर के गल्ले पर ही बैठना पड़ेगा। मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती। तुम मेरे परिवार का ध्यान रखने वाले थे ना? अरे मैं तो बहुत सारे लोगों के परिवार का ध्यान रखना चाहता हूँ, उसके तुम्हारे मेरे और बहुत सारे, लेकिन ऊपर वाला मेरी जेब का भी तो ध्यान रखे। वैसे निकाल निकाल कर मैंने कुछ निकाला, अभी ये मैं निकाल निकाल के इतना निकाला, ये रख लो अभी। ओ भाई साहब, हाँ बस निकालो, टाइम हो गया। हाँ ठीक है निकल रहा है, चलो भाई बस निकालो, बस निकालो, अभी ये सब बाकी सब समझ लेंगे बाद में कभी अपन। ओके चलो भाई, चलो बस निकालो, चल सफर बहुत लंबा। सुनिए, ये बस दीपक की रोजी रोटी है जिसको गिरवी रख के उसने कर्ज वालों का कर्ज अदा किया है। आपके एक हाथ में नोट है, दूसरे हाथ में इंसानियत को रखिए, वरना आप में और उन जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। बनवारी साहब, बनवारी साहब, ड्रेस रेडी है? सुनो सुनो बाबूजी, ट्रेनिंग ट्रेनिंग। अरे बनवारी जी, कंडक्टर का ड्रेस रेडी है या नहीं है? तो क्या ड्रेस बेच खाया, आई मीन ड्रेस बेच पिया? अरे नहीं, वो मेरी बेटी ले गई। अरे बाप, तो कंडक्टर का ड्रेस ट्राई करने के लिए तुम्हारी बेटी क्यों ले गई? अरे वो उसने नहीं सुना ना, वो किसी की नहीं सुनती, ले गई वो। अरे लेकिन मैंने तुमको पैसे एडवांस दिए थे ना, तो मैंने कहा था कि शाम को आकर, मैंने तुमसे कहा था कि तुमको शाम को आकर लेकर जाऊंगा। हाँ तो वो नहीं सुनती ना, कहा रहती है वो। चलो चलो बात करते हैं, चलते चलो। चवनप्राश में तो बहुत जान है। चवनप्राश नहीं, अमृत धारा हूँ मैं, आइए। अरे यार तुम सीधा नहीं चल सकते हो? मेरा सीधा चलना बड़ा मुश्किल है। नौजवानों सीधा चलो जी। वो क्या है कि शराब पीता हूँ ना मैं बहुत ज्यादा। दुकान पे यहाँ रहती है? हाँ तो नहीं, ये तो चल रही है। हाँ हाँ चल रही है। तो मैं क्या तुझे पकड़ नहीं पाऊंगी क्या? ये तो गोल गोल पकड़ के रहो, ये तो गोल गोल घूम रही है। हाँ घूम रही है। तो ये आपकी कौन लगती है? बेटी। तो इसकी टांग खराब नहीं है? अरे इसकी टांग नहीं, आपकी खोपड़ी खराब है। अरे इसका तो बस से एक्सीडेंट हो गया था। हाँ बस का एक्सीडेंट हुआ था, टांग में चोट आई थी, फिर दो तीन दिन अस्पताल में छुट्टी बना के आ गई। लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट तो चल रहा होगा, कोई दवा दारू? अरे इसकी दवा बंद, मेरी दवा चालू है। चलो चलो। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मेरा कंडक्टर ड्रेस यही ले आइए। क्या है कि अचानक अगर मैं आपके घर आ गया ना, तो आपकी बिटिया को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत शरीफ है ना बेचारी, बहुत ज्यादा शरीफ। नहीं, बहुत ही जरूरत से ज्यादा शरीफ है। जाइए आ जाओ।